दोस्तों नमस्कार, निशल रिल्स पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है एससी एसटी के आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अब राज्य सरकारें इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी कि वह एससी एसटी के मामले में उनका वर्गीकरण कर सकती है। यानी एक किस्म से अब ऐसा हो जाएगा कि एससी एसटी की जो जातियां हैं उन्हें अलग अलग समूहों में बांटकर आरक्षण दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि ऐसा भी ना हो कि किसी एक समूह को 100% आरक्षण दे दिया जाए, यानी सभी समूहों को उनकी आरक्षण में मिली सुविधा के अनुसार, यानी अब तक जिन समूहों को आरक्षण में ज़्यादा लाभ मिल चुका है उनको अब कम लाभ दिया जाएगा, उनकी भागीदारी आरक्षण में कम हो जाएगी और एससी एसटी जातियों में उन समूहों को, उन वर्गों को आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिलेगा जो अब तक आरक्षण की सुविधा से लगभग वंचित हैं। बहुत बड़ी ऐसी तादाद है एससी एसटी वर्ग में जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई है। तमाम प्रगति होने के बावजूद वह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दूरगामी असर वाला भी हो सकता है। एक बात और कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी की तरह एससी एसटी जातियों में भी क्रीमी लेयर आ सकता है। क्रीमी लेयर यानी एक आय का पैमाना निर्धारित हो जाएगा, उस आय के ऊपर जो भी व्यक्ति चला जाएगा उसे या उसके परिवार को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ में 6-1 से यह फैसला सुनाया है। एक जज ने कहा कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने से ही समानता के सिद्धांत का धीरे धीरे पालन बढ़ सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक व्यापक परिणामों वाला साबित होगा भविष्य में, लेकिन इसके तमाम राजनैतिक परिणाम, दुष्परिणाम भी सामने आएंगे और यह परिणाम अभी से ही, आज पहले दिन से ही सोशल मीडिया पर दिखने लग गया। एक बड़ा समूह है एससी एसटी जाति में ही जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का व्यापक विरोध कर रहा है। ऐसे लोगों का यह कहना है, यह दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ओर से संविधान में एससी एसटी जातियों को दिए गए अधिकार को छीन लेगा। यह लगभग वैसी ही बात है जैसी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने और विपक्ष, अन्य उसके सहयोगी दलों ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो आरक्षण छिन जाएगा। ऐसे ही बड़ा तबका है जो यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नरेंद्र मोदी सरकार ठीक उसी तरह बदल दे जैसे 2018 में एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे केंद्र सरकार ने पलट दिया था। उसी तरह अब यह मांग उठ रही है कि इस फैसले को भी सरकार पलट दे और जो व्यवस्था वर्तमान में लागू है, यानी कोई वर्गीकरण ना हो, जो जैसे जो भी समूह, जो भी वर्ग एससी एसटी का जैसे भी लाभ उठा रहा है वैसे ही लाभ उठाता रहे। हालांकि राजनीतिक दलों में भी इसे लेकर भारी कसमकस दिखने लगा है। कांग्रेस ने अब तक इस मामले में कोई भी बयान जारी नहीं किया, कांग्रेस के नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। हालांकि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने
यह जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने यह फैसला सुनाया उनमें कितने जज दलित थे, वह पीड़ा को उनकी नहीं समझते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इससे इतर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की बहुत लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि एससी एसटी में भी वर्गों को विभाजित किया जाए और जो वंचित समूह है, जो वंचित वर्ग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। और शानदार फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी, जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नियत में बदलाव करना चाहिए। कैसे तय होगा कि आरक्षण किसको मिले और किसको ना मिले? क्या कोई नई चीज है? क्या पहले से तय नहीं है? क्या कोई नई चीज नहीं है? पहले से तय है, मंडल आयोग डिफाइंड है, संविधान में डिफाइंड है, कोई नई चीज नहीं। माननीय न्यायालय ने उस बात पे मोहर लगाई है और माननीय न्यायालय का अभी पूरा फैसला नहीं देखा, कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर आया होगा कि आखिर इतने सालों से आरक्षण होने के बाद भी भागीदारी क्यों नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने इस मामले को थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं इसलिए भी स्वागत करता हूं कि आरक्षित वर्ग के जिस घर के कई पीढ़ियां सरकारी नौकरी में हैं, अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस हैं, गजेटेड अफसर हैं, जो धनाढ्य हो गए हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और गरीब मजदूर किसान जो गांव में रह रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। और एक चीज़ और, क्योंकि सामाजिक मुद्दा भी आरक्षण में है, अगर किसी को आज आरक्षण से वंचित किया जाए, मान लीजिए उसकी अगली पीढ़ी फिर गरीब हो जाए, तो उसको जरूर दीजिए। उन्होंने यह कहा कि एससी एसटी में एक बड़ा तबका है जो पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ उठा रहा है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण की हड़प लेता है, जबकि एक बहुत बड़ा ऐसा समूह है जिस तक अब तक आरक्षण की सुविधा का एक भी फीसदी हिस्सा नहीं पहुंचा है। तो ऐसे लोगों को जो अभी तक वंचित है आरक्षण से, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। और जो बार बार जो परिवार आरक्षण का लाभ लेकर धनवान बन गए हैं, उन्हें आरक्षण की सुविधा से वंचित कर दिया जाना चाहिए। हाँ, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़े राजनैतिक परिणामों वाला भी साबित होने वाला है, इसलिए क्योंकि जिस तरह ओबीसी में तमाम छोटे छोटे राजनैतिक दल बन गए हैं, क्या अब एससी एसटी समूहों के अंदर भी उसी किस्म से छोटे छोटे राजनैतिक दल उभर आएंगे? बड़ी राजनैतिक पार्टियां इस मामले को कैसे हैंडल करेंगी, यह भी एक दो दिन में दिखेगा, साफ होगा। छोटे जो स्थानीय स्तर के राजनैतिक दल हैं, वह इसका किस किस्म से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, यह भी दिखेगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर 2 अप्रैल 2018 को देश भर में हुए व्यापक हिंसक आंदोलन की वीडियो फुटेज और फोटोज भी डालकर वायरल की जा रही हैं। यह चेतावनी दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यदि सरकार ने नहीं बदला तो एससी एसटी की समूह फिर सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए बाध्य होगा। यानी यह चेतावनी एक है कि जैसे 2 अप्रैल 2018 को देश भर में एससी एसटी एक्ट में जो गिरफ्तारी के मुद्दे पर
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी उसके खिलाफ जैसे सड़क पर उतरे थे, तमाम जगहों पर तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं हुई थी, वैसे ही आंदोलन फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ किया जाएगा। यह सरकार पर अब निर्भर करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को धरातल पर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वह किस तरह से लागू करना चाहेंगी, क्योंकि कोर्ट ने बाध्यकारी नहीं किया है। वर्गीकरण के लिए जरूर कहा है लेकिन बाध्यकारी नहीं किया है। तो सरकारें इस मामले को कैसे अमल में लाएंगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत यह मानना है कि जो भी वंचित समूह है, जो भी वंचित वर्ग हैं, और वह कोई एक दो तीन चार नहीं है, दर्जनों की संख्या में ऐसे वंचित वर्ग हैं जिनमें से कुछ परिवार नहीं, पूरा का पूरा वर्ग आरक्षण की सुविधा से पूरी का पूरी तरह से वंचित है। उनके परिवारों में ना शिक्षा का कोई स्तर बढ़ पाया, ना उनके परिवारों में कोई नौकरी हासिल कर पाया, जबकि कुछ परिवार ऐसे हैं जो लगातार इस आरक्षण सुविधा का लाभ लेकर कोई सांसद बन रहा, कोई विधायक बन रहा, उनके बेटे बन रहे, उनके नाती बन रहे, उनके पोते बन रहे, उनकी पत्नी बन रही, बहन बन रही, वह सब ले रहे। IAS IPS समेत केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों में, राज्य सरकारों की विभिन्न नौकरियों में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ परिवार आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला व्यापक परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। एक नए वीडियो के साथ हम फिर सामने आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।